कृषि बिलों को लेकर आज किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं और अनशन पर भी बैठे हैं। अगर बात करें पंजाब की तो पंजाब में भी किसानों द्वारा डीसी दफ्तरों का घेराव किया जा रहा है, जिनका विपक्ष की ओर से समर्थन भी किया जा रहा है। आज इसी संबंध में पठानकोट स्थित डीसी कार्यालय में किसानों ने धरना दिया। इस संबंध में जब किसानों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब तक खेती कानून वापस नहीं होते तब तक ये संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा। देखो आज का धरना जेड़ा कत्ती किसान जथेबंदियों का अंदोलन चल रहा सारे देश के अंदर, उस अंदोलन की सपोर्ट दे विच सारे देश के अंदर जिला हैडक्वाटर के उत्ते लोग आप मुहारे अच्छ धरना ला के बैठे आ। और जिहड़ी किसान अंदोलन दियां मुख मंगां ने कि जिहड़े तीन आर्डिनेंस है केंद्र की सरकार ने कानून बनाए है उन्हां नूं रद्द किया जाए, इहदे नाल जिहड़ा बिजली सोध बिल है वह भी रद्द किया जाए। अज ये दो तीन मंगां दे उत्ते जिहड़ा है पठानकोट जिला हैडक्वाटर के उत्ते भी तुसीं देख रहे हो आप मुहारे लोग निकल के हज़ारां की गिणती च हरेक भाईचारे दे लोग शामिल होए आ। और असी मंग करते हैं भी सरकार जिनी जल्दी हुंदा ये काले कानून जी वापस लवे और किसान मजदूरों का जिहड़ा धरना है जिहड़ा पिछले कई महीनों तो और अज दिल्ली दियां बरूहां ते जाके केंद्र की सरकार नूं घेर के बैठे है। पोह माघ दियां रातां दे अंदर जो मीह भी उत्तों पै रहे हैं तो लोगों के सिदक नूं होर समझण दी बजाए सरकार इन्हां मंगां नूं जिनी जल्दी हुंदी है प्रवान करे। अज दे इस धरने के अंदर भी ये जोरदार मंग उठाई जा रही है। देखो जिहड़ा धरना सारी जनता नूं ही पता है कि जिहड़ा अज दा जिहड़ा धरना है ये सेंटर सरकार दा जिहड़ा पिट स्यापा करन वास्ते रख्या। एक सेंटर दे विच जिहड़ी हिंदुस्तान दी गंदी सरकार है जिन्हें किसान विरोधी जिहड़े बिल पास कीते आ उन्हां बिलां दा अज आपां इस चीज़ नूं विरोध करदे आ। होर सेंटर सरकार नूं एक चीज़ की मैं चेतावनी दे देना चाहना कि साडे गुरु साहब दा हुक्म है सूरा सो पे चाणनी है जो लड़ा दीन के हेठ पुरजा पुरजा कट मरे कबण छाडो खेत। ये कौमां जिहड़ियां डरन वालियां हैं नहीं क्योंकि गुरुआ पीर की धरती है पंजाब। सेंटर सरकार एक नशा गया ही बाकी जोड़े फैसले ले है वह हो सकता पे वह लोग मन गए ही। एक पंजाब की धरती है एक सूरबीर की धरती है एक किसान और सिख जगत कि सरकार तो ना डरया तो ना किसी डराया। होर एक सरकार मैं चेतावनी दे देना कि लोगों के डर सी कि जी कांग्रेस सरकार जी बड़ी गंदी सरकार है जी ये सरकार है इन्हें साबित करता कि अं कांग्रेस तो गंदी सरकार है। जे कि पंजाब का माहौल खराब होना चाहता वह जिम्मेवार मोदी सेंटर सरकार पूरी होगी। ये जिहड़ा किसानी संघर्ष जिहड़ा पिछले काफ़ी समय तो तुसी सारे जानते हो मीडिया बंधु चल रहा उहदी कड़ी नूं होर इजाफा करते हुए अज जिहड़ा पूरे डीसी दफ्तर जिहड़े ने उन्हां दा घराओ किया गया उसे रोस मुजाहरा किया गया। और अज तो जिहड़े ने पंजाब दे ते टोल प्लाजा पहले ही बंद सीगे हरियाणे दे यूपी दे जिन्ने बॉर्डर जिहड़े ने और नाल लगते हैं दिल्ली के सारे के सारे रस्ते बंद कर दिए गए और टोल प्लाजा बंद किए गए ता जो सेंटर जी गवर्नमेंट है वो खिलाफ़ जिहड़ा वो दबाव बनाया जा सके क्योंकि लड़ाई सारियां दी है ये किसी कल्ले किसानां दी लड़ाई नहीं ये साढ़े साड़ी सच्चाई की लड़ाई है साड़ी होंद की लड़ाई है साड़ी इज्जत की लड़ाई है ये लड़ाई साढ़े हिंदुस्तान की है साढ़े संविधान की है ये लड़ाई सरकार की जालम सरकार की पूरे भारत के खिलाफ है। उस लड़ाई के अपना सहयोग पाने के लिए उस लड़ाई के अपना योगदान पाने के लिए किसान भरावान क्योंकि मैं आप एक किसान का पोते हैं और मेरे लिए परम किसानी है। सब तो पहला मैं किसान हाँ वकील बाद चा बाकी सारा कुछ जोड़ा वो बाद उस चीज़ को समझा होया अपनी इंसानियत जी है वो आवाज़ को समझा होया जिथे पहुँचा उस जोड़ा एक काफिला तो सामने जो चलता रहा पूरे हिंदुस्तान के और तुम देखो पूरे वर्ल्ड के ईवन जी सुपर पावर अमेरिका उतों के जोड़े बुडवी प्रेजिडेंट ने उन्होंने इन्नी गल कहती है कि हिंदुस्तान का जोड़ा किसान है वो इस टाइम के खतरे के और कि शर्मनाक गल है कि बीजेपी इन्नी गल कह रही है कि ये किसान नहीं अतवादी ने जे अपने हकों की लड़ाई लड़न वाले इंसान अतवादी है तो ठीक है फिर असी अतवादी हैं असी मरते हैं फिर पर असी अपनी लड़ाई जी अपनी होन की लड़ाई जी आखिरी साह तक जी जारी रखा। स्पीड नेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि पठानकोट से जुड़ा हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले।